नमस्कार, मैं अमन प्यासी। नमस्कार, मैं केवल सोनावने। स्वागत करते हैं आपका अपने नवभारत समाचार पर। आइए देखते हैं बड़े खबरें महाराष्ट्र से। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया बड़ा बयान, कहा यूपी और गोवा की विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना। मुंबई समेत पश्चिमी महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से सामने आई एक और दिल दहलाने वाली रेप की घटना, 15 साल की बच्ची का रेलवे परिसर में किया गया रेप। फास्ट्रैक कोर्ट में चलेगा साकिना का केस का मामला, सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा आरोपी को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। मोबाइल में 11 रुपए का रिचार्ज कराते वक्त हुई बुजुर्ग के साथ 6 लाख रुपए का फ्रॉड। आज आ सकते हैं जेई मेन परीक्षा के 4th सत्र के परिणाम। भाई ने नहीं दिया गेम खेलने के लिए मोबाइल तो बच्ची ने जहर खाकर दी जान। मुंबई से आई महिला पर अत्याचार की एक और घटना, पत्नी ने की दूसरी शादी तो खोया मानसिक संतुलन, मारा सास को चाकू। राज्यपाल कोश्यारी ने किया मुंबई विश्वविद्यालय के सिंधुदुर्ग उपकेंद्र का उद्घाटन, कहीं परिसर को आदर्श शैक्षणिक परिसर बनाने की बात। नवी मुंबई में संदिग्ध हालत में मिली लाश, प्लास्टिक बैग में भरे थे लाश के टुकड़े। अंबरनाथ में व्यवसायी के बेटे का अपहरण, पुलिस ने 48 घंटों में किया चारों आरोपियों को गिरफ्तार। अंबरनाथ में हुई भीषण दुर्घटना, मौके पर हुई 4 लोगों की मौत। ठाणे के वसंत विहार में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी भीषण आग। वर्दी हुई शर्मसार, अवैध वसूली करते हुए कर्मचारी हुए कैमरे में कैद। कोविड नियमों का पालन ना कराने पे कर्मचारी और जनता के बीच हाथापाई। सचिन वाजे की तबीयत हुई खराब, जल्द होगी अस्पताल में भर्ती। लोक सूचना अधिकारियों पर लगा 5,000 रुपए का जुर्माना। क्रीडसोम ऐप पर करिए मानहानि का केस हसन मुशरिफ। उल्लासनगर से रेप की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। रेलवे आयुक्त कैसर खालिद के मुताबिक शिरडी से लौट रही 15 साल की बच्ची भिवंडी बाईपास पर उतरी, फिर वहां से कल्याण से उल्लासनगर के लिए लोकल पकड़कर उल्लासनगर पहुंची, जहां वो अपने 2 दोस्तों के साथ घर जाने के लिए निकली। तभी स्काईवॉक पर आरोपी ने बच्ची के दोनों दोस्त को डराकर बच्ची का अपहरण कर उसे 50 मीटर दूर एक खाली रेलवे आवास पर लेके गया, जहां उसने बर्बरता के साथ बच्ची के साथ दुष्कर्म और मारपीट की। सुबह बच्ची वहां से भागने में कामयाब हुई और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाने पहुंची, जहां 2 पुलिस स्टेशन ने ये कहकर उसकी रिपोर्ट लेने से मना कर दिया कि मामला उनके आधिकारिक क्षेत्र से बाहर हुआ है। पीड़ित बच्ची के सर में चोट लगी है, जिसका इलाज उल्लासनगर में चालू है। सीएम उद्धव ठाकरे ने साकिना का रेप केस मामले में राज्य के गृह मंत्री वलसे पाटिल और मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से बात की है। उद्धव ठाकरे ने घटना की निंदा करते हुए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया है व आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। मुंबई समेत पश्चिमी महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। मुंबई समेत पश्चिमी महाराष्ट्र में IMD ने अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश के होने का पूर्वानुमान लगाया है। IMD ने रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, सातारा और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ मुंबई, ठाणे, वर्धा, पालघर और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मुंबई के समता नगर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक सुबह 11:30 बजे के आसपास लड़की का अपने भाई के साथ गेम खेलने के लिए फोन न देने को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद लड़की ने अपने भाई के सामने चूहे मारने की दवाई खाकर अपनी जान दे दी। मुंबई के विले पार्ले से औरतों पर हो रहे अत्याचार की और एक घटना सामने आई है। आरोपी 3 साल से चेन स्नेचिंग के आरोप में जेल में बंद था। बाहर आने के बाद जब उसे मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी की दूसरी शादी हो चुकी है, तब उसने गुस्से में आकर सास की बर्बरता से चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने मृत सास के प्राइवेट पार्ट में बांस डाली। पुलिस ने IPC की धारा 377 के तहत आरोपी पे मुकदमा दर्ज कर उसे पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज JEE मेंस के 4th सत्र में हुई परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर सकती है। JEE मेंस के 4th सत्र की परीक्षा 26, 27, 31 अगस्त और 2 सितंबर को हुई थी, जिसमें करीब 7,80,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। ठाणे से ऑनलाइन ठगी की घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग ने पहले 11 रुपए के रिचार्ज कराने के लिए लिंक पर क्लिक किया। जब लिंक से वो फोन रिचार्ज नहीं कर पाए, तब उन्होंने ठग को फोन किया। ठग ने दूसरा लिंक भेजकर बुजुर्ग का मोबाइल एक्सेस करके 6,25,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने मामले की शिकायत लेके कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल
तथा विश्वविद्यालयों के कुलपति भगत सिंह कोश्यारी ने ऑनलाइन मुंबई विश्वविद्यालय के सिंधु दुर्ग उपकेंद्र का उद्घाटन किया। ये विश्वविद्यालय का तीसरा उपकेंद्र है और दो उपकेंद्र ठाणे और रत्नागिरी में हैं। वड़ा पाव का व्यवसाय करने वाले सोनू कुमार बारेलाल के 9 साल के लड़के कृष्णा का अपहरणकर्ताओं ने शाम 7 बजे क्लास जाते समय अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने 40 लाख रुपयों की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरे साथ बहुत मेहनत किया, अच्छा किया, मेरा बच्चा सही सलामत मिला। उनको एसपी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम किया मेरे साथ में, जो बच्चा जैसे गया थे मेरे को हवाले किया। थाने पुलिस इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, सबको धन्यवाद देता हूँ कि मेरा बच्चा सही सलामत मिला। रविवार को नवी मुंबई में स्थित एपीएमसी पुलिस स्टेशन से एक दिल दहलाने वाला वाक्य आया सामने। प्लास्टिक बैग में मिले लाश के टुकड़े, कटी हुई लाश के बाएं हाथ पर मराठी में रविंद्र नाम लिखा हुआ है और बाएं पैर में काला धागा बांधा हुआ है। व्यक्ति की पहचान कर रही है पुलिस। मुंबई स्थित बुलेश्वर बाजार में पुलिस कर्मचारी एक रेडी वाले से अवैध वसूली करते हुए वीडियो हुआ वायरल। ऐसी घटनाएं पुलिस एवं प्रशासन पे सवाल या निशान खड़ा कर रही है। बीते दिनों में पुलिस महकमे के अफसरों और कर्मचारियों पर अवैध वसूली के कई आरोप लगते रहे हैं। यूपी और गोवा के 2021 विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी यूपी के 403 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी के पश्चिमी किसान संगठनों ने शिवसेना को समर्थन देने की बात भी कही है। अंबरनाथ में कार और रिक्शा की भीषण टक्कर में 4 लोगों की जगह पर ही मौत हो गई है। घटना अंबरनाथ के पालेगांव इलाके में हुई। हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी मृतकों और घायलों को उल्लासनगर के केंद्रीय जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठाणे के वसंत विहार से आज सुबह आगजनी की घटना सामने आई है। सिद्धांचल कॉम्प्लेक्स के फेज 6 के पार्किंग लॉट में आग लग गई है। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों को कोविड नियमों का पालन करवाना पड़ा भारी। जब नियमों की अनदेखी करते हुए कुछ नागरिकों ने मास्क न पहनने पर दंड भरने से इनकार किया और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और हाथापाई की। मुंबई एंटेलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन की हत्या के मुख्य आरोपी सचिन वाजे की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। जांच में सामने आया है कि उन्हें हृदय संबंधित रोग है, जिसके लिए वो वॉकहार्ट अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भर्ती होंगे। ठाणे जिला के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव दत्ता ने ठाणे महानगर पालिका के तांत्रिक विभाग में सूचना का अधिकार के लिए आवेदन दाखिल किया था, लेकिन लोक सूचना अधिकारियों ने आवेदन की तरफ ध्यान न देते हुए समय पर जानकारी न देने की लापरवाही के कारण लोक सूचना अधिकारी समीर आम्रली और मंदार अधिकारी इनके प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए का जुर्माना उनके वेतन से वसूल करने का आदेश महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के कोकण खंडपीठ ने दिया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ग्राम विकास मंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हसन मुश्रीफ पर 127 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है, जिस पर हसन मुश्रीफ ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सोमैया पर मानहानि का केस करने की बात कही है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए नव भारत समाचार के साथ। मैं अमन प्रयासी, मैं केवल सोनावने आपसे इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद।